गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सुबह के 9:30 बज रहा है अभी और मैं आई हूँ किचन ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ब्रेकफास्ट में ये है आज एग बॉयल्ड और 4 एग बॉयल्ड किए थे पिंडू ने, तो 2 खा लिया। इसको व्हाइट वाला खा के ये येलो को रख दिया मेरे लिए। पिंडू को ये येलो वाला पसंद नहीं है, तो मैं अभी ये एग खाऊँगी और इसके साथ 2 एप्पल काट देती हूँ। 2 एप्पल खाएंगे हम दोनों और कुछ बना नहीं सकती, इसीलिए ये एप्पल और एग में आज चल जाएगा ब्रेकफास्ट। तो ये 2 एप्पल को मैं अभी काट लेती हूँ। चलो ये खा के फिर इसके बाद लंच भी करना है। और ऐसे भी मेरा तबीयत पूरा अच्छे से मतलब क्या ठीक नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट ऐसे ही कर रही हूँ। और ये जो हल्दी देख रहे हैं आप, सूखा वाला हल्दी, पिंटू को मैंने बोला था कि ये जो दूध में डाल के पियेंगे रॉ वाला हल्दी लाने के लिए, लेकिन ये सूखा वाला पिंटू ले लाया। पिंटू को पता नहीं चला कि ये कैसे, तो ये इसको अभी करना मुश्किल है पाउडर बनाना, क्योंकि जो पैकेट आता है वो इतना अच्छा नहीं है, उसको मिलावट है केमिकल से। तो मैं सोच रही थी कि ये रॉ वाला ला के उसको दूध में डाल के पियेंगे, लेकिन ये वाला ले आए पिंटू ने सूखा वाला। और ये जो देख रहे हैं ना पानी का हॉट केटल, ये 24 आवर्स हमारा अभी यहीं पे लगा हुआ है प्लग में, क्योंकि पानी हमेशा हम मतलब दिन भर चलता है पानी बनाना, तो इसीलिए इसको यहीं पे रख दी, मैं सेट कर दी। ब्रेकफास्ट कर लिया और अभी टाइम हो रहा है 10:30, और ये चावल का पानी पिठा है और यहाँ पे कल से थोड़ा सा चावल भी बचा हुआ है, तो इसको भी मैं मिला दूँगी। जब चावल डालूँगी तो इसको भी डाल दूँगी होने के बाद। और इस तरफ है वो जो चावल और बीरी का, उसको भी बेटर बनाना है, तो चलो अभी ये सारा काम ख़त्म होने के बाद वो बेटर भी बनाना है। और चिकन होगा, चिकन 1 kg पिंटू लाए हैं, तो आधा करके मैं आधा उसको रख दूँगी। और चिकन के लिए मैं ये लहसुन और क्या अदरक आलू ओनियन लेके आई हूँ रूम में बैठ के। मैं अभी नीचे करूँगी क्योंकि खड़े होके करने से अच्छा नहीं लगता, पैर दुखता है, थोड़ा वीक लग रहा है सो इसीलिए। तो इसको मैं बेडरूम में ले आई, नीचे बैठ बैठ के ये सारा अभी कर लूँगी और ग्राइंडिंग करके थोड़ा ज़्यादा रख दूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा रख देने से मुझे काम देगा, तो इसलिए मैं बहुत सारा लेके चली आई बेडरूम में। ये अभी कर लूँगी, करने के बाद फिर चिकन पिंडू बना लेंगे। चलो धीरे धीरे बैठ के मैं ये सारा कर लेती हूँ। और ये जो देख रहे हैं ना अदरक, देखिए कितना मिट्टी है, इसको बहुत अच्छे से धोना पड़ेगा, बहुत मिट्टी लगा हुआ है। चलो अभी टाइम 12 बज गया और मैं ये करके पिंटू को दे दी थी, और पिंटू ये सारा कूट के चिकन भी बिठा दिए और राइस हो गया। तो ये देखिए कितना यम्मी दिख रहा है, इसको पिंटू बना रहे हो, मैं खाली आके देख रही हूँ कैसा हुआ। और राइस भी हो गया, इसको स्ट्रेन भी कर लिया पिंटू ने, तो अभी हम खा लेंगे। चिकन भी हो रहा है और 2 मिनट में हो जाएगा, तो चलो अभी खा लेते हैं, खा के फिर मेडिसिन खाना है। इसको भी मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि ये हो गया अभी। तो ओके गाइस, हम चलते हैं अभी खाने के लिए। चलो हमारा खाना पीना भी हो गया और अभी मैं ये बैटर को बना दूंगी। तो पिंटू मेरे लिए ग्राइंडर को ऊपर ले आए हैं क्योंकि ये नीचे रहता है, तो इसको लेके पिंटू सेट सेट कर दिया। अभी मैं इसको खड़े होके यहीं पे कर लूँगी, करके रख दूँगी मिक्स करके, फिर रात को हम खाएंगे इसे। तो चलो
मैं इसे बना लेती हूँ। और अभी टाइम हुआ है, कितना बजा हुआ है, अभी 2 बज गया। तो मैं ये सारा करके थोड़ा सा रेस्ट भी लूँगी। थोड़ा सा रेस्ट करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब जैसे कि बेड में लेट रहने से बहुत अच्छा, नींद आए या ना आए लेकिन अच्छा लगता है। तो ये सारा मैं जल्दी जल्दी बना के रख देती हूँ। रात को मुझे इजी पड़ेगा इसके साथ चिकन, क्योंकि आज वेडनेसडे है तो 2 टाइम चिकन हो जाएगा। और 1 केजी पिंटू लाए हैं तो आधा केजी शायद होगा। मैं इसको अलग रखी हुई हूँ क्योंकि फ्राइडे के लिए, कल तो थर्सडे है, नहीं खा पाएंगे, तो इसीलिए मैं इसको रख दिया आधा। और एक ब्रेस्ट पीस लाए हैं जो कि हम शाम को पिंटू बनाएंगे, वो क्या सूप बनाएंगे, तो इसीलिए वो भी लाए हैं, क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं है तो नॉन वेज सूप चाहिए। तो चलो मैं इसे करके रख देती हूँ जल्दी जल्दी। बन के रेडी है मेरा बैटर। तो ये देखिए कितना सुंदर है। दोनों को मैं मिक्स कर दी, पहले बिरी को थोड़ा मिक्स करके अलग, इसके साथ दोनों को मिला के अभी रख देती हूँ। और ये मेरा एक ठो काम गया। और चलती हूँ मैं, अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। चलो मैं थोड़ा सो जाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा छोड़ने से अच्छा लगेगा। तो जो ओके गाइस, मैं अभी थोड़ा रेस्ट करती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे शाम के टाइम में। टाइम 6:30 हो गया और अभी मैं ये चिकन को निकाल रही हूँ, क्योंकि चिकन में मैं हल्दी नहीं मिक्स की थी। हल्दी थोड़ा मिक्स करूँगा। पिंटू यहाँ पे वेजिटेबल के लिए, सॉरी सूप के लिए, ये सारा वेजिटेबल नहीं देंगे, कल गाजर थोड़ा सा और जो कुछ खड़ा मसाला इतना ही देंगे। इसको मैं ये ब्रेस्ट पीस को निकाल देती हूँ, एक ही पीस है तो इसमें हम करेंगे, तो मैं इसमें रख देती हूँ। और इसको मैं हल्दी, थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके रख दूँगी फ्राइडे के लिए, क्योंकि नहीं तो ख़राब हो जाएगा। इसको हम कुक नहीं किए हैं, ऐसे रह रखेंगे, तो इसको थोड़ा सा मैं ये करूँगी। और दूध को भी मैं बिठा दी थी। और पिंटू यहाँ पे काट रहे हैं थोड़ा सा गाजर, गाजर को एकदम पूरा चक कर लिया अच्छे से। और ये क्या है, ओनियन, और इसमें है लहसुन और अदरक और चिली 2, और ये खड़ा मसाला, बस इतना दे रहे हैं। बस इतना सारा वेजिटेबल नहीं डालेंगे, थोड़ा पानी पानी पिएंगे। तो चलो अभी बनाते हैं सूप को। और ये मेरा, और ये यहाँ पे आज पिंटू ये डाल रहे हैं, मतलब क्या है, जो पाउडर है ब्लैक पेपर पाउडर, आज इसे ही नहीं डाल रहे हैं रॉ वाला। तो इसको इसको मैं थोड़ा हल्दी मैरिनेशन करके अभी रख दूंगी अंदर छोटा सा कंटेनर में। ये बड़ा हो जाए, इतना बड़ा कढ़ाई फ्रिज में एकदम स्पेस लेता है बहुत सारा। तो इसको मैं मैरिनेशन करके छोटा सा कंटेनर में इसको अंदर रख दूंगी ढक के। इसको हम फ्राइडे करेंगे। ज़्यादा ले आए थे क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन है तो कभी कभी मिलता नहीं मिलता, और सुबह उठ के भी हम नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि सुबह 6 से 9:30 तक खुला रहता है जो कुछ भी। तो इसीलिए पिंट थोड़ा ज़्यादा लेके चले आए थे। तो चलो मैं इसको अंदर रख देती हूँ। और इसमें हम क्या, 2 बाउल वाटर देंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, और इस टाइम पे भी बच जाएगा तो उसको अंदर रखेंगे तो भी ठीक नहीं है। तो चलो हम 2 ही बाउल देंगे इसमें, इस जितना हुआ हुआ। तो चलो मैं इसको खड़ा मसाला, मतलब जो जो डालते हैं, सारा इलायची, एक लौंग, ये सारा थोड़ा थोड़ा दे के हम इसे बना रहे हैं अभी। और थोड़ा तीखा बना रहे हैं क्योंकि मुंह में लगने से अच्छा लगेगा।
चलो थोड़ा चेक कर लेते हैं, हो गया 10 मिनट। तो ये चिकन चिकन को मैं निकाल के इसको थोड़ा मस करके इसमें फिर डाल देती हूँ। हो गया होगा शायद, क्योंकि बहुत बारीक इसको चॉप किया है पिंटू ने। तो चलो इसको निकाल के अभी इसको थोड़ा छोटा छोटा क्रश करके डाल देती हूँ। ओके, इसको मैंने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और अभी इसको मैं डाल दूंगी इसमें, और 2 मिनट बस इसको उबाल आने देने के बाद मैं इसको उतार दूंगी। आने के बाद, उबाल आने के बाद, तो चलो मैं अभी इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, और कुछ भी नहीं है। हो गया हमारा ये चिकन सूप आज का, तो चलो खाते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये रहा हमारा चिकन सूप। पानी पानी देखिए, ये अच्छा लगेगा मुंह में। इतना हम इसको ठीक नहीं बनाया, कॉर्नफ्लोर भी बहुत कम दी हूँ। तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा पी लेंगे। और ये भी थोड़ा है, जितना भी करो थोड़ा सा बच जाता है। अगर हो सके तो हम पी लेंगे, नहीं तो इसको फिर फेंकना पड़ेगा। तो ओके गाइस, हम चलते हैं अभी सूप पीने के लिए। ये रहा पिंटू के, मैंने पिंटू को दे दिया और चलते हैं हम खा लेंगे। और मैं चलती हूँ रूम में, और मैं चलती हूँ थोड़ा नीचे बैठ के खाऊंगी, अच्छा लगेगा। साढ़े आठ हो रहा है और मैं आ गई किचन। मैं अभी बनाऊंगी क्या, पीठा बनाऊंगी। तो पीठा के साथ हम चिकन खा लेंगे उसका करी बना के। तो मैं पिठा को थोड़ा सा ये बैटर को निकाल देती हूँ दूसरा एक जगह में, थोड़ा सा बनाए अलग बना के फिर खाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा हो गया। देखिए कितना फूल गया, कितना अच्छे से। मैं 1.5 कप दी थी, लेकिन ये इतना बड़ा कंटेनर है, फिर भी आधा से ऊपर हो गया फूल के। ज़्यादा भी मैं मिक्स नहीं की थी इसको। तो देखिए कितना सुंदर हुआ है। तो चलो बनाते, कितना फ्लॉपी फ्लॉपी लग रहा है, इतना मैं निकाल ली से। तो चलो बना लेते हैं, थोड़ा सा नमक। और ये मेरा सेकेंड वाला है, क्योंकि मेरा फर्स्ट वाला आपको दिखाऊंगी अभी कैसे हुआ है। ये है मेरा फर्स्ट वाला, पहला जो बनाती हूँ मैं, हमेशा ऐसे ही होता है मेरा। क्योंकि ये जो तवा है ना, वो जो रोटी का है, तो इसीलिए ठीक से नहीं उठता है पहला वाला। तो ऐसे हो गया पहला वाला, और नेक्स्ट जो हो रहा है वो ठीक ठाक चल रहा है अभी। तो चलो हम जल्दी जल्दी बना लेती हूँ इसे। 3 4 बनाऊंगी, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि थोड़ा मोटा मोटा बनाऊंगी तो 3 4 हो जाएगा। तो बनकर रेडी है मेरा पीठा। ये देखिए मेरा पीठा कितना, चार चार बना ली पीठा। तो चलो इसके साथ हम करी खाल करी में खा लेंगे, चिकन करी में अच्छा लगेगा। और ये है चिकन करी जो पिंटू ने बना के रखे हैं। तो चलो चिकन करी और पीठा खा लेते हैं। ओके गाइस, हम चलते हैं अभी डिनर करेंगे, क्योंकि 9:30 हो रहा है अभी। तो डिनर कर लेते हैं हम अभी, जल्दी जल्दी डिनर करके जल्दी सोते हैं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये हम सारे ड्रेसेस लाए थे पिंटूर में, शाम को ऊपर था 2 दिन से। तो इसको फोल्ड करके रखी हुई हूँ अभी यहाँ पे, और कवर्ड में नहीं इसको रखी हूँ। तो खाने के बाद लेके कवर्ड में रख दूँगी। और ये मेरा आँख देखिए, सो सो के कैसे फूल गया। प्लीज़ इसे मत देखिए, इग्नोर कीजिए, क्योंकि मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है अभी, ये हालत है मेरा। तो मेरा आँख फूल गई। ओके गाइस, तो
ये था मेरा आज का वीडियो, आई मीन वेडनेसडे का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए प्लीज़। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, हैव ए गुड डे, टेक केयर।